अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दस रमजान विशाल माँ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। चंद बातें माँ खदीजा के ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग खाली गौर करें उन बातों पर, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, जवाब दें, और अच्छी लगे तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरी दिल की बातें मैं रखने जा रहा हूँ। और बिना परवाह किए कि मुझ पर क्या कोई फतवा लगाएगा, क्या कोई क्या बोलेगा, मुझको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी थी ना कभी रहेगी। मैं सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन से दूर नहीं होना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह के दामन से दूर नहीं होना चाहता। बाकी मुझको मौलवी मुल्ला के फतवों का कोई फिक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहली बात कि जब इंसान कोई काम शुरू करता है तो उसको शुरुआत में दुश्वारियाँ आती है, तकलीफ होती है, चाहे वो बिजनेस हो, कारोबार हो या कोई भी काम हो। अगर एक बार उसका स्टार्ट अच्छा हो जाता है तो फिर और वो फिर एंडिंग उसकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। आप इस्लाम का भी अगर रुख देखो, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी, तो शुरुआत में रसूलुल्लाह को जो दुश्वारियां आई, तकलीफें आई, आज अगर मौलवी मदरसा भी बना रहा है, मस्जिद भी बना रहा है, तो कहाँ कहाँ से चंदा लेकर आता है, 40% खुद रखता है, 60% मदरसे में देता है। अब खाली अल्लाह के घर को बनाने के लिए न जाने कितने लोग झूठी रसीदें, झूठी बातें, ये फलाना, कैसी कैसी रिवायतें गढ़कर फिर वो चंदा जमा करते हैं, है ना, और क्या क्या हालात हो जाते हैं। मगर मैं ये यकीन रखता हूँ कि अल्लाह को अपना पाक घर बनवाना है तो अल्लाह खुद से बनवा लेगा, अल्लाह एक आदमी को खड़े करके बनवा लेता है ना। मगर ये समझने वाली बात है कि जब कोई काम शुरुआत करो उसमें कितनी तकलीफें आती हैं, मगर वो काम शुरुआत हो जाए, चलने लग जाए, उसके बाद तो फिर दुनिया जहान के लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बनी पे लाखों निसार होते हैं, बिगड़ी तो दुश्मन हजार होते हैं। मगर जब इस्लाम का वो नया दौर था, जब अल्लाह के रसूल मतलब कि नबूवत का ऐलान किए और वो नया नया मामला जब सरकार का आया, तो खुदा की कसम दोनों हाथों से सलाम माँ खदीजा की अजमत पे। इस्लाम का नया दौर था, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि जब मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया, मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो खदीजा ने यकीन किया। माँ खदीजा आपकी अजमतों को सलाम। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुझको माल की ज़रूरत थी, यानी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए माल की दौलत की ज़रूरत थी, तो खदीजा ने माल दिया। माँ खदीजा आपकी सखावत को सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका हिसाब तो महशर में खुदा ही करेगा बेशक। तीसरी बात, जब रसूल अल्लाह पे अब्तर के ताने लगे, यानी बे औलाद है, कुर्बान माँ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर, कि आपने ऐसी औलाद अता की रसूलुल्लाह की, ऐसी औलाद अता की कि जिनसे पूरी कायनात में फैज़ का दरिया बह गया, तमाम सैयदों की जद हो गई, है ना, और अब्तर के ताने मिट गए। दूसरी बात, आप जब रसूलुल्लाह की निकाह में आई तो अपनी बहन हाला की 3 बेटियों को अपने साथ में लेकर आई, और माँ खदीजा के साथ जब वो बच्चियाँ पली तो पूरी दुनिया ये नहीं समझ पा रही थी कि मतलब कि ये इतना रहम व करम माँ खदीजा का कि अपनी बहन की बच्चियों को इस तरह पाला कि हर किताब को लिखना पड़ा, हर आलिम को लिखना पड़ा कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। इस मोहब्बत से पाला अपनी बहन की बच्चियों को, और माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ पाला। तो ये मोहब्बत देखो अपनी बहन की बच्चियों से, और अल्लाह के रसूल भी उसी तरीके से मोहब्बत करते थे। जब माँ खदीजा जाहिरी दुनिया से चली गई तो सरकार जब बकरा दुम्बा कटवाते तो हजरत हाला के घर भी गोश्त बेचते थे और माँ खदीजा की सहेलियों के घर भी गोश्त बेचते थे, इतना मोहब्बत करते थे। और दूसरी बात यह है कि आप पूरी इस्लामिक हिस्ट्री देख लो, माँ खदीजा जैसी वफादार, सखावत करने वाली, नेक सीरत, नेक सूरत, और वो अरे पहली बात तो यार मतलब के खानदान देखो आप, रजवाड़ा खानदान, शहजादी थी अरब की, तो शहजादियों जैसा ठाट भी होगा, वैसी सखावत भी होगी, वैसी मोहब्बत भी होगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना कोई नंगे भूखे घर से आई थी, बादशाह की घर की औलाद थी तो वैसा सखावत भी की। कौन खड़े रह के बोलेगा कि आओ मेरे शोहर ने जो कलमा बताया वो पढ़ो और अपने कर्जे माफ कर लो, जाओ कर्जे छोड़ देती हूँ, आओ ये पैसा लो, जाओ मेरे शोहर का कलमा पढ़ो जो कलमा पढ़ा रहे हैं वो। तो ये सखावत माँ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की थी, और माँ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को इसलिए भी सलाम है कि आपके शोहर नबियों के सरदार, आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, आपके दामाद बादे नबी जिन्न बसर के सरदार, आपके नवासे जन्नत के सरदार,
और इतने बड़े मुकाम पर माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा इतने बड़े मुकाम पर तमाम सरदारों की टोली में बैठी हुई है ना, और पांच जो दुनिया में सबसे अफजल औरतें उनमें माँ खतीजा का नाम। अल्लाह की रसूल ने इतनी मोहब्बत की कि माँ फातिमा आखिरी वक्त में जब रसूल अल्लाह के पास आई कि अब्बा जान अम्मी आपकी शाल मांग रही, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अपनी खाल निकाल के दे देता हूँ मेरी खतीजा के लिए। ये मोहब्बत थी सरकार को। और जब भी सरकार गम में रोते, एक बार अम्मा आयशा बोली क्यों उस बूढ़ी औरत के गम में रोते हो जो हमारे बीच नहीं है, अल्लाह के रसूल बहुत गुस्सा हो गए है ना कि खुदा मुझको उस जैसी बीबी अता नहीं करेगा, खतीजा का एहसान जो मेरे ऊपर है उसे अल्लाह ही पूरा कर सकता है। और वाकई में माँ खतीजा का जो इस्लाम पर एहसान है, उनकी दौलत का, उनकी उनकी जो उनसे जो तन से बच्चे पैदा हुए और पूरी कायनात में सैयदों की एक जमात है ना, तो माँ खतीजा हर लिहाज से, मगर खुदा की कसम जितनी भी बीवियाँ रसूलुल्लाह की आई, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 9 साल, सबसे ज़्यादा जो रसूलुल्लाह के साथ रही वो माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा 25 साल की उम्र से लेके 53 साल की उम्र तक रसूलुल्लाह के साथ रहीं। मगर क्या हमने वफा किया माँ खतीजा के साथ? उनके कॉल हमारे पास मौजूद हैं, उनकी हदीसें मौजूद हैं, उनके अखवाल मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं? बताइए कितनी किताबों में माँ खतीजा का जिक्र आता है, हम कहाँ कहाँ रेफरेंस देते हैं माँ खतीजा की बातों का। हमारे पास किसी बीबी के 6,000 हदीस हैं, किसी के 100 हदीस हैं, किसी के 500 हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह के साथ रही, जो हर चीज़ की राजदार थी, हर चीज़ रसूल अल्लाह के साथ देखती रही, इस्लाम को जिन्होंने खड़ा किया, इस्लाम की जो पिलर थी, जिन्होंने इस्लाम मजबूत होने के बाद सब आए ना, मगर शुरुआत में जिसका खून पसीना पैसा लगा वो मेरी माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात। तो वो लोग कहाँ थे जब इस्लाम मजबूत हो रहा था? तो सिर्फ खतीजा मौजूद थी, सिर्फ अबू तालिब की ज़ात मौजूद थी, है ना। मगर हमने क्या वफा किया अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, माँ खतीजा के साथ? हमने कहाँ उनके जिक्र को किया? हमारे पास उनकी हदीस मौजूद नहीं है, उनके कॉल मौजूद नहीं है, उनकी बातें मौजूद नहीं है, और सबके मिल जाते हैं, माँ खतीजा के नहीं मिलते। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि वो माँ फातिमा की माँ है या मौला अली अलैहिस्सलाम की सांस है या रसूलुल्लाह की सबसे चहेती बीवी हैं, लखते जिगर हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया खतीजा से ज़्यादा मुझको अपनी किसी बीवी से मोहब्बत नहीं, इतना रसूलुल्लाह मोहब्बत करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं हसनैन की नानी है? ये बुग्ज़ अहले बैत में तो नहीं हो रहा है? इसको ढूंढो, इसको समझो, माँ खतीजा के कॉल कहाँ मौजूद है हमारे पास, उनकी बातें कहाँ मौजूद है? हम जिक्र करते हैं माँ खतीजा का मौलवी मिंबर पे बैठकर, जब भी रसूलुल्लाह की किसी बीबी की बात आएगी, हर बीबी रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करते होंगे बेशक। अरे माँ खतीजा का नाम सबसे पहले लेना चाहिए। जो माँ खतीजा ने किया वो किसी ने नहीं किया, और ना कोई कर सकता है, ना किसी ने कर पाया। जो माँ खतीजा की अजमत है वो किसी के पास नहीं। आप सब बीवियों का नाम लो मगर तमाम बीवियां एक तरफ, माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा एक तरफ, है ना। तो माँ खतीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र कसरत से होना चाहिए। उन खतीजा की विशाल की बातें तो हो जाएंगी 10 रमजान में, माँ खतीजा के एहसान की बातें कब होंगी? कब मिंबरों से माँ खतीजा बयान की जाएंगी? कब मस्जिदों से माँ खतीजा बयान की जाएंगी? कब औरतें अपनी मजलिसों में माँ खतीजा का किरदार बयान करेंगे? वो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की जो चहेती थी, तमाम बीबियां एक तरफ, माँ खतीजा एक तरफ, उनकी औलादों को देख लो, वो है क्या, उनका मुकाम देख लो, मगर उनके ताल्लुक से हम कहाँ बयान करते हैं? अपने दिलों पे हाथ रखो, अगर वाकई में दीन मोहम्मदी के पैरेकार हो, ना कि किसी मसलकी मुल्ला के मानने वाले हो, वाकई में तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम के वफादार हो, वाकई में तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो हर मजलिस में माँ खतीजा का जिक्र करो। विशाल की बात नहीं, उनके एहसान की बात करो। उन्होंने जो इस्लाम पे किया है और जो इस्लाम के लिए किया है, वो तमाम बातें की जाएं। मैं तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर वालों का जिक्र करता हूँ और करता रहूँगा। जो बातें छुपाई गई वो आपके सामने लाता रहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।